गाइस यार, शायरी वाली एडिटिंग मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। बहुत लोगों का डिमांड होता है कि भाई शायरी वाली एडिटिंग मैं कैसे करूँ यूनिक टाइप का, तो चलिए आज मैं सिखाता हूँ आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले पिक्सल एप्लीकेशन खोल लेना है। और एक चीज़ और गाइस, आप लोगों को शायरी वाली रील्स पसंद है या नहीं है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को किस टाइप का पसंद है। 3 आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइज में जाना है, इमेज साइज में, और यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है 720। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से 720 लिखना। ठीक है, यहाँ पर 780 लिख गया मेरा, बट यहाँ पर 720 आप लोग लिखना। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ध्यान से 720 लिख लेना। ठीक है, एंड देखो गाइस, जो भी मटेरियल है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, क्योंकि जो मटेरियल का लिंक है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आप लोगों को मैं फ़ोटो देने वाला हूँ, पिक्चर देने वाला हूँ, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर 720 लिखने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फॉरम गैलरी में जाना। ठीक है ना, प्लस आइकन पर क्लिक करके गैलरी में जाना। इस टाइप की जो फ़ोटो होंगी ना, जो कि आप लोग देख रहे हो, इस टाइप की फ़ोटो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना, आप लोग कोई सा भी आप लोग फ़ोटो यूज कर लेना, जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो यूज कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड कर लिया, और ये देखना एडिटिंग कितना बेहतरीन लगेगा एडिट होने के बाद। ठीक है, तो ये देख सकते हो इस टाइप से आप लोगों को एडिट हो गया। ठीक है, ऐड हो गया। अब यहाँ पर फॉर गैलरी पे जाना, यहाँ पर लिखना फ्रॉम गैलरी, और यहाँ पर आप लोगों को ये साइडो का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करना, और ये देख सकते हो इसको आप लोग क्या करना है कि इसके जो है ना साइडो, इसको आप लोग जूम कर लेना। ठीक है, इस टाइप से आप लोग छोटा छोटा डॉट मिल जाएगा, इस टाइप से जूम कर लेना। ठीक है, और भी इसको जूम कर लेना, तो जितना जूम करोगे उतना सही रहेगा। और दो लाइन की आप लोगों को शायरी इस पर लिखनी है, तो जो दो लाइन की शायरी है वो आप लोगों को क्रोम में बहुत सारी मिल जाती है यार। जिस टाइप की आप लोगों को शायरी जानी है ना, तो क्रोम में जाना, लिखना 2 लाइन की लव शायरी। ठीक है ना, हिंदी, तो वहाँ पर 2 लाइन की शायरी बहुत सारी आ जाएगी, लव शायरी, सैड शायरी, ब्रोकन शायरी वगैरह, जो भी आप लोगों को चाहिए। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बता दिया उसी टाइप से लिख लेना, मैंने भी वहीं से उठाता हूँ और कहीं से भी नहीं लेता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो 2 लाइन की शायरी मैंने लिख ली है, मुझे शायरी नहीं आती है इसलिए मैं भी क्रोम से लेता हूँ, आप लोग भी ले सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो इस टाइप से ऐड करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो गाइस, अपना जो ये फॉन्ट है ना, ये जो आप लोगों को मिल रहा है, ये देखो, ये आप लोग जितना आप लोगों को पतला रहेगा और जितना आप लोगों को स्मूथ रहेगा उतना ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है ना, मतलब सामने वाले को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को पहले के जितने भी फॉन्ट आप लोग यूज किए होगा उसमें से आप लोग कोई से भी एक फॉन्ट यूज करके देख लेना, जितना आप लोगों का फॉन्ट पतला होगा और जितना आप लोगों का फॉन्ट अच्छा दिखेगा उसी टाइप से लगाना। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को बहुत सारे फॉन्ट मिल जाए, इसमें भी चेक कर लेना आप लोग, एकदम पतला और एकदम बेहतरीन दे देख सो। और इटैलिक्स में कर लेना आप लोगों को, बोल्ट वाले में जाके इटैलिक्स में कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, और करना हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, फॉन्ट मैं एक तरीके का नहीं दूंगा और ना एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग इस टाइप से कर लेना, और आप लोग इसमें कलर दे देना येल्लो। ठीक है ना, कलर में जाके कलर येल्लो दे देना। अब इसको कॉपी कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसकी सेकंड भी लाइन लिखनी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाना, ए वाले सेक्शन में जाके थोड़ा सा आगे चले जाना। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को कॉपी कर लेना, ये तक जो सेकंड लाइन हो गई। अब इसमें अपना सेकंड लाइन जो है वो पेस्ट कर दो। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद आप लोग क्या करना है कि कलर चेंज कर देना। ठीक है, ये देख सकते हो हो गया, और यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको शायरी को नीचे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करने के बाद कलर हम चेंज कर देते हैं, कलर वाले सेक्शन में जाके ये देख सकते हो कलर, और यहाँ पर हम व्हाइट कलर दे देंगे। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर दे देते हैं, ध्यान से आप लोग भी दे देना, और कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस, आप लोगों को भी इसी टाइप से लिखनी है। ठीक है, अपना कोई छड़कानी नहीं करनी है, आप लोग भी इतना पतले वाले फॉन्ट यूज करना। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम में वीडियो भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में जाना, और आप लोगों को इस वाला इस टाइप का 2 तीर भी मिल जाएगा। ठीक है ना, सॉरी गाइस, ये ऐड हो गया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्लस आइकन, फ्रॉम गैलरी, और ये वाला तीर दे दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो येल्लो वाला है ना, येल्लो वाला आप लोगों को येल्लो वाला यहाँ पर 2 बार ऐड करना। ठीक है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये थोड़ा सा और भी छोटा कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से एक मत ऐड करना, एक में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, 2 में आप लोगों को देखो एडिट करके मैं दिखाऊंगा कितना बेहतरीन लग रहा। ठीक है, तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को 2 ठो ऊपर लगाना है, 2 नीचे लगाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेता हूँ, और ये देख सकते हो
ये मैंने एडजस्ट किया। यहाँ पर फिर से मैं एक और ऐड करूँगा, यही सेम टू सेम येलो वाला ही ऐड करूँगा, ये देख सकते हो। ठीक है, दो ठो ऊपर लगाऊंगा, दो नीचे लगाऊंगा, इसको भी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी ध्यान से कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दोनों को ऊपर लगा लिया है और नीचे भी मैं रेड कलर का लगाऊंगा, बट बाद में मैं कलर चेंज कर दूंगा अपनी साड़ी के कलर के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग नीचे वाला जो येलो दोगे ना, तो आप लोग मतलब नीचे वाला व्हाइट दोगे तो आप लोग भी नीचे का व्हाइट ही रखना है, रेड मत रखना। ठीक है, जब रेड रखना तो आप लोग ये जो तीर है ये भी रेड रखना। ठीक है, ये देख सकते हो मैंने एडजस्ट कर लिया, आप लोग भी सेम टू सेम एडजस्ट कर सकते हो इसी टाइप से। ठीक है, दो ऊपर दो नीचे है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग इसको रेड कलर है तो अच्छा नहीं दिख रहा, मैं व्हाइट करता हूँ। ठीक है, तो इस पर तीर पर एक बार क्लिक करना। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि ये जो देखो व्हाइट फॉन्ट है, तो इस पर तीर पर क्लिक करो, इस पर ऑप्शन पे जाओ। ठीक है ना, दूसरे नंबर से बीच वाले में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक कलर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना और इस पर आप लोग जाने के बाद यहाँ पर कलर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाइट कलर दे देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना किस वाले ऑप्शन में, बीच वाले ऑप्शन में जाने के बाद इस टाइप का बना हुआ है ना, देख सकते हो बैकग्राउंड के जस्ट बगल में, इस वाले पर ही आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो, मेन पार्ट का स्क्रीनशॉट मार लेना जो आप लोगों को समझना है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ भाई, कहीं सीखना होता है चाहे कुछ करना होता है तो इसी टाइप से करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग एक तो इमोजी दे देना। ठीक है, कोई सा भी इमोजी दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ पर लव वाली साड़ी है तो मैं लव का एक वो दे देता हूँ। ठीक है, हार्ड का। ठीक है, आप लोगों का साइड का हो तो साइड का इमोजी दे देना, और एटीट्यूड का तो एटीट्यूड वाला डेविल दे देना। ठीक है, सिर्फ एक देना, ज़्यादा मत देना। ठीक है, ज़्यादा दोगे तो यार क्या होगा कि वहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लिखाई हो जाएगी ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको अपने हार्ड को बीचों बीच कर लिया इस टाइप से करके। आप लोगों को शेयर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर PNG 2 अल्ट्रा कर लेना। ठीक है, एच डी लेवल में आप लोगों का ये सेफ हो जाएगा। सेफ होने के बाद अब यहाँ से आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग एंड इफेक्ट लगाने का। तो गाइज यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि ये मेरा नया चैनल, पुराना चैनल डिलीट हो चुका है मेरी गलती से। ठीक है, तो आप लोग यार थोड़ा सा सपोर्ट कर देना जिससे मुझे मोटिवेट मिले और आप लोगों का यार एडिटिंग के लिए एक बेहतरीन आइडिया मिले। चलिए आइए, यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। और आप लोग सबसे पहले यार VPN खोल लेना, तब कैपकट खोलना। ठीक है, उससे पहले मत खोलना कैपकट। ठीक है, VPN खोलने के बाद कैपकट खोलना, यहाँ पर देख सकते हो ये साड़ी को अपना ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड करने के बाद अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, दोनों स्क्रीन में अब यहाँ पर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आता है, तो आप लोगों ये ओवर लेयर को डिलीट कर देना, लास्ट वाले ऑप्शन को। और ये आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों का टिकटॉक रेशियो में करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है ना, और एडजस्ट यहाँ पर कर लेना अपना। ठीक है ना, टिकटॉक में तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद ये जो मेरा 3 सेकंड की वीडियो होगी ना, ये मैं कर लूँगा गाइज यार कम से कम 8 सेकंड की। ठीक है, तो इसकी रेशियो बढ़ा लेना। ठीक है गाइज, ध्यान से आप लोग रेशियो बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर रेशियो बढ़ाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की शायरी भी उसी हिसाब से होगी, सॉन्ग भी उसी के हिसाब से लगेगा। आप लोग 10 सेकंड की बनाते हो तो 10 सेकंड की भी बना सकते हो, कोई भी आप लोगों को गलती नहीं है। ठीक है, आप लोग जितने सेकंड की बनाना चाहते हो उतने सेकंड बना सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग इतना शुरुआत में चले जाना, शुरुआत में चले जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट में जाना है और वीडियो इफेक्ट में जाना। ठीक है, वीडियो इफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड वीडियो इफेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने लेटेस्ट वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ अपना कैपकट। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को ढूंढना है ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन आ रहा, मतलब प्ले स्टोर से। तो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना, स्पार्क के बगल वाला। ठीक है ना, स्पार्क के बगल वाला इस वाले ऑप्शन पर आ जाना, और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिप्लेस डिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, इस पर क्लिक कर देना, इस पर क्लिक करोगे तो इसमें एडजस्टमेंट करना है। इस पर देख सकते हो आप लोग, नाम देख लेना। ठीक है ना, रिप्ले डिस्टॉर्टिंग। ठीक है ना, यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, चौथे नंबर पर ऑप्शन पर मिलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट करना, तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और इसको आप लोगों को थोड़ा सा आगे करना है। ठीक है, मतलब 34 होगा। ठीक है, तो 34 में आप लोगों को इसको 52 कर देना है। ठीक है, 52 करने के बाद ब्लर को आप लोगों को कम से कम माइनस कर देना है और इसको ले जाना 35। ठीक है, ध्यान से ले जाना 35। साइज को आप लोगों को ब्लर को यहाँ हो गया, अब साइज को आप लोगों को कम से कम यहाँ पर दे देना है 60। ठीक है, यहाँ पर साइज को 60 दे देना। ठीक है, ध्यान से स्क्रीनशॉट मार लेना आप लोग। और यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि स्पीड को कम से कम 50 दे देना। ठीक है, स्पीड को 50 देने के बाद इसको पूरा का पूरा कम कर देना। ठीक है, इसके बाद इंसर्टिसी को आप लोग पूरा कम कर देना है 0 पर। ठीक है ना, और ट्विंस को आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ट्विंस में यहाँ पर दिख जाएगा ये लास्ट वाला ट्विस्ट को, तो यहाँ पर आप लोगों को कम से कम यहाँ पर दे देना है 25 दे दो। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, 25 देने के बाद आप लोगों को ये हो जाता है, यस कर देना। ठीक है, यस करने के बाद आप लोगों को ये हो जाएगा। अब ये देखो पूरा लेंथ में लगा लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से वीडियो इफेक्ट,
उसके बाद से आप लोगों को क्लिक करना है नाइट क्लब, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है गाइस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्लिक करना है। उसके बाद से आप लोगों को एक हेलो ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोगों को ये ट्रेंडिंग वाले भी ऑप्शन में मिल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, ये लगा लिया, यस कर दिया, यस करने के बाद आप लोग देख सकते हो इतना आप लोगों को रखना है, ठीक है। अब इसके हाफ पर चले आना, जो कि आप लोगों को लिखा है मिनी वीडियो, ठीक है, मिनी वीडियो लिखा, उसके जस्ट पूरा बीचों बीच आ जाना। उसके बाद से न्यू इफेक्ट में जाना और यहाँ पर फिर से इफेक्ट में क्लिक करके नाइट क्लब में जाना है। नाइट क्लब में जाने के बाद यहाँ पर एक आप लोगों को सेटिंग ढूंढना है, मतलब इफेक्ट ढूंढना है, रिपेयर सेक, ठीक है ना, रिपीट सेक आप लोगों को ढूंढना है, बार बार रिपीट होता है सेक, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको हाफ करना है, मेन तक ए देख सकते हो इतना एम ए आई तक करना है, ठीक है ना, इसको आधा कर देना एम ए आई तक, ठीक है ना, इसमें कुछ लिखा होता है, ठीक है ना, मेन वीडियो लिखा होता है उसमें एम ए आई तक करना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप लोगों को इसको क्या करना है कि थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है, ये जो हेलो ब्लर है, हेलो ब्लर वाले को थोड़ा सा गैप देना है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कम दिया तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा देना, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा। यहाँ पे एक आप लोगों को वाइट फ्लैश दिखेगा, वाइट फ्लैश 22, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो ये वाला, ठीक है, वाइस फ्लैश 22, ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइस फ्लैश 22, आप लोगों को दिखा देते हैं, ऊपर साइड चला गया गाइस, ठीक है, ये वाला, ठीक है, वाइट फ्लैश 22 यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं हम, ठीक है, आप लोग भी ध्यान से कर लियो और ये यूज कर लेना अपनी वीडियो में, ठीक है। इसी को अब यूज करना है हम लोगों को 2-3 बार, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना, इसको एडजस्ट वगैरह नहीं करना है, इसको भी आप लोगों को देखो एम ए आई तक ही करना है, ठीक है, देख सकते हो ये थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया था थोड़ा सा छोड़ के ही करना है, ठीक है, ये देख सकते हो एम ए आई तक मैंने किया, ठीक है ना, एम ए आई तक मैंने छोटा कर दिया। अब फिर से इसको क्या करना कि कॉपी भी कर सकते हो और नहीं तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो दोबारा से लगा सकते हो, ठीक है, तो ये मैं दोबारा से लगा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को गैप करके ही इसको देना है, देख सकते हो ये मैंने फिर से किया, अपने वीडियो के हिसाब से आप लोग लगा लेना। आप लोगों की 10 सेकंड की वीडियो हो तो कम से कम आप लोगों को 5 इफेक्ट लगा लेने हैं इसके, ठीक है, और आप लोगों को 8 सेकंड की हो तो कम से कम 4 या 3 से लगा लेना, मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो लगा लिया। अब एक और मैं लगाऊंगा और उसके बाद से मेरा 8 सेकंड का है इसलिए मैं लगा रहा हूँ 4, आप लोगों का 12 सेकंड का हो तो 6 लगा सकते हो, ठीक है, एम ए आई तक रखना है, ठीक है, एम ए आई तक ध्यान से देखे रहना, मैंने आप लोगों को बता दिया उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, इफेक्ट के अंदर लिखा होगा मेन वीडियो, ठीक है ना, एम ए आई एन लिखा है तो एम ए आई तक ही आप लोगों को इफेक्ट रखना है, ठीक है, इधर देख सकते हो इतना, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को वीडियो हो गई है कंप्लीट, अब आप लोग यहाँ पर चला कर देख सकते हो, कितना यूनिक टाइप से आप लोगों को एडिटिंग सिखाएं, और भाई ये आप लोगों को एडिटिंग मस्त लगी हो ना अभी तक का, तो एक लाइक करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत ही जल्द आप लोगों को प्यार रहेगा तो भाई जल्दी वीडियो लेके आएंगे, एंड लव यू गाइस, बाय बाय दोस्तों, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू।